इतना कहना था आपसे कि मैं आप रिपीट कर रहा हूं कि आपके व्यवसाय से हमारा कोई हमारी कोई अलावत नहीं है। हम बस ये चाह रहे हैं जब आपका डीजे विसर्जन में भी अगर कोई बुक करता है विसर्जन में जाता है उसका परमिशन जरूर लीजिएगा। यस डीएम साहब से डीजे का परमिशन आप जरूर लीजिएगा या जो बुक कराएंगे वो लेंगे, ठीक है। लेकिन बिना परमिशन के आपका डीजे नहीं होना चाहिए। जो आयोजक बुक कराते हैं उनसे कहिए भैया परमिशन ले लो, परमिशन ले हो कि नहीं, बिना परमिशन के हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज इतनी सावधानी बरतनी चाहिए, त्यौहार कोई भी हो, अनुष्ठान कोई भी हो, जुलूस किसी भी तरह का हो, हम जिस देश में रहते हैं हमें सारे धर्मों का सारे मजहब का सम्मान करना चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि पता लगा कि अगर वारावफात है किसी मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं तो हमारे गाने की धुन बदल जो है गाना बदल जाता है। अगर हिंदू का त्यौहार है किसी ईदगाह और मस्जिद के सामने से हम गुजर रहे होते हैं तो हमारा गाना बदल जाता है, ये बहुत गंदी बात है। अगर हम धार्मिक जुलूस में शामिल हो रहे हैं तो हमें उसी तरह का मध्यम स्वर में मैया जी का गीत लगाओ आपने। अगर कोई कहता है कि नहीं ये गाना बजेगा, आप कहो कि नहीं नहीं बजेगा, कत्ता ही नहीं बजेगा, हम नहीं बजा सकते। यह आपकी जिम्मेदारी है या आपकी लाइबिलिटी है, डीजे आपका है, एम्पलीफायर आपका है, आपने किया है, आपकी जिम्मेदारी। अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो उसके लिए हम हैं। आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, देखिए मैं क्या कर देता हूँ फिर जी सर। तो इसलिए नियमों का उल्लंघन कदापि मत करिएगा। मैं फिर से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हरैया पुलिस को ऐसा मौका मत दीजिएगा, ऐसा अवसर न मिलने पाए कि आपके विरुद्ध अभियोग का पंजीकरण करना पड़े। हम भी कैंसिल करेंगे काम। दोनों मतलब ना भाई परेशान होते। कैंसिल करिए काम। कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करेंगे। 8,000 का तो जमीन फ्लोर पाएगी हमारे। कैंसिल और का भाई। उनके लगे भेजो। या हो हमारा सिस्टम। अरे कल आए थे यार। भैया भाई। पैसा और कैंसिल कर। मेरे भाई तो हूँ। पैसा वही रहेगा। अरे कहाँ तो बयान वापस करो भाई यार। बयान वही केवल आप सिस्टम अपना कम रखो बस बात करता बात विस्तार से बता दिया है और पहले भी बताया गया जो मेरा वही बार बार रिपीट करना उचित नहीं होता है। एक सुझाव आप लोगों से यही है कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं निरक्षर आज के युग में है और समाज में जी रहे हैं। आपके भी घर परिवार हैं, माता पिता हैं, पत्नी बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग आपके भी घर में हैं और बूढ़े बुजुर्ग नहीं हमें लगता कि नौजवान भी उससे प्रभावित होता है। जो बातें चल रही हैं अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सभी लोग हमें लगता है 25-26 लोग लगभग बैठे हुए हैं, 25-26 लोग अगर इस क्षेत्र के हैं और सभी लोग एक बात की यूनियन तो होती है, एक ग्रुप आपका है, अगर आप सभी लोग तय कर लेंगे कि मुझे ओवर हाइट या ओवर साउंड जो भी आपने निर्धारित किया गया है उससे मुझे ओवर नहीं जाना है, दिक्कत वहाँ आती है जब एक व्यक्ति तो कहता कि मैं नियम से कर लिया हूँ, दूसरा कहता मैं बेनियमता भी कर दिया हूँ, उस पर लोग ज़्यादा जाते हैं। तो अगर आप लोगों का ये सिस्टम बन जाए, देखो भाई हम लोग अपने इस क्षेत्र के हरैया क्षेत्र के हम लोग बिल्कुल एक सिस्टम पर पाल देंगे, एक नमूना बना देंगे हम लोग, इससे अधिक हमें नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे यहाँ नहीं इतना करेंगे, आप क्या करेंगे, आपके यहाँ भी वो सिस्टम रहेगा, आप भी नहीं डिगोगे दूसरा वाला डिगेगा, डिगेगा नहीं डिगेगा तो वो भी होगा। तो हमें सबको जो रोजी रोजगार है सबको बराबर आएगा, ठीक है ना, लाइट आपको पड़ेगी। तो ये मेरे कार्यकाल से आप लोगों से है कि आप लोग एक अपना सिस्टम बनाइए, एक ग्रुप बनाइए और उसी आधार पर चलिए जो नियम बनाए गए। हकीकत कष्ट होता है और आज का युग जो है देखिए समय
और परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर दिया वो सदैव सफल रहा, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा। किसी को देख लीजिए, सभी लोग जितने ये सेठ जी लोग हैं, दुकानदार हैं, जन्मजात बड़े नहीं थे, करोड़ों में नहीं खेल रहे थे। बहुत से ऐसे आपको दुकानदार मिलेंगे जो खूंचा लगाते थे, ठेलिया लगाते थे। आप बुजुर्ग हैं, आप देख याद करिए कि कौन दुकानदार कैसा था, आज कैसा है। कहने का ऐसा कि समय और परिस्थिति जैसे परिवर्तन होता है वैसे आप में अगर आप लचकदार हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सफल रहेंगे। परिस्थितियों से लड़ना अपने आप को बर्बाद करना होता है। दो तीन बातें इसमें ये आती हैं कि जैसे आपने अभी आप पटवार साहब ने कहा कि कहीं कोई मंदिर आता है, कोई मस्जिद आता है, या कोई ऐसा किसी का घर आता है जहाँ पर वो लाइक नहीं करते, तो वहाँ सब जल्दी बढ़ा दें। या कहीं ऐसा है जैसे होता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आपने देखा तो लगा दिया पाकिस्तान का, वो गुजरेगा का पाकिस्तान को ले रहा है, ये कर क्या मतलब है। आप धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे हैं तो उस सिस्टम को, और आप जब बैठे हुए हैं तो आप कंट्रोलर खुद हैं कि मशीन में हम क्या लगा रहे हैं, फोहर गाना लगा रहे हैं कि भक्ति गाना लगा रहे हैं। तो शादी ब्याह में तो आए नहीं हो, शादी ब्याह का गीत लगा लिए हो, तो ये सब चीजें आपको करना है। आपको हल करेंगे, आप सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा। आपको दिक्कत होती है आप उसको बता दीजिए। पहली बात तो आपकी जिम्मेदारी चलेगी, आपके तरफ से हम भी बोलने तैयार रहेंगे। नहीं, इन्होंने तो कहा था ये गलत नहीं है, वो आयोजक गलत है। और आयोजक हमें लगता है कि आयोजक जो मेन होता है वो साथ नहीं रहता है, उसके जो लोग रहते हैं वो सब काम प्रयोग हम नहीं माइक करना चाहते हैं, वो लोग रहते हैं, वो लोग 2 मिनट भी नहीं रुकने वाले वहाँ हैं। ये जिम्मेदारी हम लोग की है, आप लोग बता दीजिए कि हाँ ये मान नहीं रहे, ये कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के सहयोग की है। मुकदमा कायम होना आसान है, निपटना भारी होता है। आप सभी नए हैं, अभी लगता है किसी के बाल नहीं पके हैं, एकाध को छोड़ करके मैं आपके कुल पके हैं, बाकी और किसी नहीं पके हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि आप एक मुकदमा छोटा सा भी कायम हो जाए तो आज के युग में कई बार बताया गया है कि अगर आपको कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है, छोटा सा ठेकेदारी करनी है, छोटा सा कोई भी काम करना है, नौकरी करनी है, कोई शस्त्र लेना है, विदेश जाना है, तो बिना आपके चरित्र सत्यापन का कोई वर्क नहीं होता है। मानते नहीं मानते, और छोटा सा वो दाग लगा रहेगा तो कोई छुड़ा नहीं सकता है। पहले कभी जमाना था कि पुलिस अपना इधर उधर घाच पाच करके लिख भी देती थी, लेकिन अब तो सीधे CCTMS से ऑनलाइन हो गया है। आल यूपी आल इंडिया नहीं रहोगे, आप CCTMS के माध्यम से निकालेगा तो वहां पर आपका अपराध निकल जाएगा कि आप किस अभियोग संख्या में कौन सा धारा लगी हुई है, किस थाने में लगी हुई है, किस जिले में लगी हुई है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा, सभी बच्चे के बराबर हैं, आप लोग ऐसा कोई नहीं काम करें जिससे आपकी आने वाला समय खराब हो, कलंकित हो, दागी हो। और पुलिस तो अपनी बचाने के लिए हर हालत में लगाएगी, क्योंकि इतना ये प्रचार प्रसार हो गया है, माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया है, अधिकारियों ने आदेश दे दिया है, शासन के नीति निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि मीडिया से कुछ छुपा नहीं है, आपका देखा नहीं, कुछ ने फोटो खींचा नहीं और वो वायरल किया नहीं। अब इसको जैसे वायरल हुआ नहीं कि पुलिस अपनी बचत के लिए कि मैं अपना पल्ला तुरंत झाड़ू एक मुकदमा लिख करके बता देती है कि मैंने मुकदमा लिख दिया और विवेचना शुरू है, कल क्या होगा बात की बात है। तो प्रथम दृष्टया तो ये दिक्कत हो जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे जो भी नियम बनाए गए हैं, नीति निर्देश बनाए गए हैं, उस पर आप लोग फॉलो करिए। और ये ज्यादा दिन नहीं, एक बार आप जहाँ सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, मैं आपको वादा करता हूँ कि आने वाले अन्य त्योहारों में अपने आप फैल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सोशल मीडिया इतनी तेज हो चुकी है, अगर कहीं कोई घटना घटी तो वो
मुकदमा कायम कराकर के ही मानेगी गैर इरादतन हत्या, जो अभी आपने बताया था जिसमें न्यूनतम 10 साल है और आजीवन कारावास तक की सजा है, ये मीडिया करा के ही मानेगी। जब तक मुकदमा कायम रहेगा तब तक वो चलाते रहेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जो भी नियम निर्देश बनाए गए तो आप पालन करेंगे और अपने मित्र दोस्तों से भी कराएंगे, और सभी जब एक रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई इस तरह का अराजकता इस डीजे को लेकर के कोई समस्या पैदा हो।